माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाने वाली भाजपा के नेता ही भू माफिया बनकर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने पर आमादा हैं। शाजापुर जिले में जनता दल से विधायक रह चुके वर्तमान में भाजपा का दामन थामे हुए ग्राम सिकंदरपुर कला थाना मदनापुर निवासी देवेंद्र पाल सिंह को यदि जनपद का बड़ा भू माफिया कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनपद में अनेकों जमीनों पर इस पूर्व विधायक द्वारा फर्जी अभिलेख प्रस्तुत कर कब्जा किए जाने के मामले में प्रशासन के पास विचाराधीन होने के बावजूद सत्ता पक्ष का होने के कारण आते हैं। इसके विरुद्ध प्रशासन कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा। ताजा प्रकरण तहसील सदर के ग्राम धरनीधरपुर का है, जहां पर गाटा संख्या 110 गा सहित अन्य भूमि पर उक्त विधायक द्वारा फर्जी नक्शा प्रस्तुत कर तथा विवेक मिश्रा नाम के गेट क्षेत्रीय लेखपाल को ले जाकर जबरन मालिकों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को अपने सजातीय पुलिस अधिकारी से जबरन रुकवा दिया गया। जब इस भूमि पर उप जिलाधिकारी सदर एक टीम गठित कर पैमाइश के आदेश दिए तो अपने प्रभाव से इस पूर्व विधायक ने उसे भी रुकवा दिया। भाजपा के नेताओं द्वारा इस प्रकार अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा किए जाने के प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में क्या नहीं है? अगर यही हाल रहा जो जिस तीव्र रफ्तार के साथ भाजपा सत्ता में आई थी उसी तेज रफ्तार के साथ यह भू माफिया उसे पीछे भी धकेल रहे हैं। अराजिकास स्थित ग्राम धरनीधरपुर पर जबरदस्ती दबंग देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा कब्जा किए जाने के विरोध में एडीएम साहब से मुलाकात। नहीं तो देवेंद्र पाल सिंह कौन है, क्या है? ये पूर्व विधायक है और विवादित जमीनें खरीद कर जबरदस्ती निर्वाद जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। कहाँ स्थित है आपकी जमीन? धरनीधरपुर। कौन कौन लोग हैं जिनकी जमीन है? प्रमोद सोनपाल लज्जाराम और अशोक पांडे, कीर्ति बुधपाल, धर्मेंद्र पांडे, अशोक वाजपेयी। लगभग 200-250 गज हमारे धर्मेंद्र पांडे जी हैं, उनका भी प्लाट है। उन्होंने उनकी नींव उठवानी चाहिए, नींव भरवानी चाहिए, गेट लगवाना चाहा। इस पर जो है माननीय विधायक जी ने थाना काट की पुलिस बुलाकर वहां पर बहुत तांडव किया, हम लोगों को उल्टा सीधा बोला और हमारा काम रुकवा दिया। मौके पर हमारी सीमेंट गिट्टी ईंट ऐसे ही पड़ी हुई है और उसके बाद हम नहीं छोड़ी जाती है। हमारी जमीन पर कब्जा होता है, हमारी जमीन पर अतिक्रमण होता है, हमारी जमीन पर निर्माण कार्य होता है, तो हम वहाँ पर जितने भी खातेदार हैं, लगभग 6-7-8 खातेदार हैं, सब लोग आकर डीएम साहब के कैंपस में आमरण अनशन करेंगे। में आए किस लिए है, क्या वजह है आपकी? हमने 2 साल पूर्व जमीन खरीदी थी धरनीधरपुर रकवा में पिपरौला अहमदपुर में, और वहाँ पर नींव भी भरी पड़ी हुई थी, हमारी थी, एडवोकेट मुकेश वर्मा जी की भी जमीन थी पीछे। तो अब 2 साल बाद जब हम लोग उसका निर्माण कराने गए तो पूर्व बीजेपी विधायक देवेंद्र पाल सिंह 109 गाटा संख्या उनकी तलैया है जो पीछे उन्होंने खरीदी है, तो उसका निकास हमारे प्लाट की तरफ से नहीं है। फिर भी उन्होंने विवेक मिश्रा लेखपाल को बुलाकर एक कूटरचित नक्शे से उस जमीन की पैमाइश करा ली और उसमें निशान और हदबंदी कर दी। देवेंद्र सिंह पाल क्या है? देवेंद्र पाल सिंह पूर्व बीजेपी विधायक रहे हैं जनता दल से और बीजेपी के सपोर्टर हैं, और सत्यवान भदौरिया जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे इनका भी पूर्व सहयोग इन्हें प्राप्त है। तो आपकी जमीन अगर नहीं छोड़ी जाती है तो आप आगे क्या करेंगे? भाई जमीन नहीं छोड़ी जाएगी तो हमने तो ब्याज पर कर्ज लेके बैंक से जमीन ली, नहीं छोड़ी जाएगी तो हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। जैसा कि विधायक जी ने खुद ही कहा था कि तुम योगी के पास चले जाओ तुम्हारी जमीन नहीं छूटेगी, तो वहाँ जाएंगे। अगर वो तब भी कोई हल नहीं निकलेगा तो पूरा परिवार हमारा जो है डीएम साहब के यहाँ आके बैठेगा। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आप किसी मतलब विभाग में नौकरी करते हैं, किस विभाग में? मैं पुलिस विभाग में नौकरी करता हूँ और मुझे बरेली में पोस्ट हूँ मैं। मुझे तो दरिए दुर्भाग्य यह सूचना मिली कि ये जमीन पर आपकी कब्जा किया जा रहा, तब मैं आया। मैंने स्थानीय पुलिस पिपरौला चौकी सहयोग मांगा, लेकिन उन्होंने जात विशेष के लोगों को वहाँ भेजकर मेरा सहयोग किया, मेरा कार्य भी बंद करा दिया। इनके द्वारा मेरी बनी बड़ी हुई नींव भी तोड़ दी गई और मुझे धमकी भी दी जा रही बराबर। क्या आप पूर्व विधायक जी से मिले, अपनी बात नहीं बताई? विधायक जी को मैंने जरिए मोबाइल बात हुई, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपने ऐसे से मेरी जमीन कब्जा कर ली है, तो उन्होंने कहा कि तुम चाहे योगी के पास चले जाओ चाहे मोदी के पास, जमीन तो नहीं छूटने वाली है। फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाए गए इनके द्वारा और बना के उनका प्रयोग किया गया है, इनके खिलाफ 420 का मुकदमा लिखवा के कार्रवाई क्यों नहीं प्रशासन करता? एडीएम साहब ने अभी क्या आपको आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने यह कहा कि आप एसडीएम साहब से मिलिएगा सोमवार को, और मैं एसडीएम साहब से वार्ता भी कर चुका हूँ और प्रार्थना पत्र माफ के लिए एक टीम भी एसडीएम साहब के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन जब पूर्व विधायक को यह मालूम हुआ कि ये टीम जाएगी सही नाप कर देगी और उनका जो है काला चिट्ठा खुल जाएगा, तो इन्होंने उस नाप को बाधित करने के लिए डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया कि वो सब जमीन ग्राम समाज की है और उसकी नाप करा ली जाए, केवल इस चीज़ को विवादित करने के लिए, हमारी जमीन को वहाँ फंसाए रखने के उद्देश्य से।
और हमारा निर्माण कार्य तो रुकवा ही दिया है पुलिस ने बगैर किसी आदेश के। प्रशासन क्यों नहीं काम कर रहा है, कोई राजनीतिक दबाव है? प्रशासन इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सत्ता पक्ष का मामला है और पुलिस की तो वैसे भी कोई नहीं सुनता है, ये सर्वविदित है पूरा।